उत्तर प्रदेश के जौनपुर से एक दलित किशोर के साथ हैवानियत और सामंती बर्बरता की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पुलिस में दर्ज हुई एफआईआर के मुताबिक, आपको बता दें कि किशोर का रास्ता रोककर बेहद आपत्तिजनक जाति सूचक शब्द कहते हुए बेरहमी से मारा पीटा, और इतना ही नहीं, आरोपियों ने किशोर को पेशाब पिलाते हुए मुंह में मिट्टी भी ढूंस दी। और बर्बरता की हदें यहां पार हुई कि जब आरोपियों ने किशोर की पलकें भी नोच डाली। मौके पर पहुंचे पिता ने किसी तरह आरोपियों से किशोर को छुड़ाकर बचाई जान। इतनी बर्बरता के बाद भी आरोपियों ने दी है ट्रैक्टर से कुचलकर मार देने की धमकी। जानकारी के मुताबिक, आपको बता दें कि 23 नवंबर बीते गुरुवार की है ये घटना। इतने बड़े घटनाक्रम में अब पुलिस कार्यवाही की बात करें तो आपको बता दें कि जौनपुर एसपी से गुहार लगाने के बाद थाना सुजानगंज में आरोपी आदित्य सिंह, बबलू सिंह व दो अन्य आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 504, 506 व एससीएसटी एक्ट की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। तो ये यूपी से समाज को एक बार फिर संसार कर देने वाली घटना, दलित किशोर को बेरहमी से मारा पीटा, जाति सूचक शब्द कहे, और इसके साथ ही आपको बता दें कि पेशाब भी पिलाया गया, यहां तक कि मुंह में मिट्टी ढूंसी और उसकी पलकें भी नोच डाली।